हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूँ। तू वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप नए हैं तब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कोडफ्लिक्स से अननोन कोडर्स में ऐसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाते रहूंगी। सो प्लीज सपोर्ट टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइबर क्राइम के बारे में। अगर आप इथिकल हैकिंग फील्ड में हो या फिर आप एक इंटरनेट यूजर हो तो आपको साइबर क्राइम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चले कि हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको उसके टाइप्स बताऊंगा, उसके टूल्स भी आपको दिखाऊंगा एंड जो एग्जाम्पल्स होते हैं साइबर क्राइम के वो भी बताऊंगा। तो शुरू से लेकर एंड तक को पूरा देखे, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम का मतलब यही है कि जो भी क्राइम आपने इंटरनेट, टैबलेट, मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का यूज करके आपने कोई क्राइम किया है तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। एंड जो ज्यादातर साइबर क्राइम्स होते हैं वो लैपटॉप एंड पीसी का यूज करके किए जाते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि जो साइबर सेल है वो जब क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाती है तो ज्यादातर लैपटॉप या फिर पीसी मिलते हैं। आई होप आपको साइबर क्राइम के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर क्राइम। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे थे साइबर क्राइम के, बट जो मेन एग्जाम्पल होते हैं वो मैंने नोट करके आपके सामने में दिखाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई फ्रॉड कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जाता है तो वो साइबर क्राइम में आता है। रिसेंटली एक ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली गैंग पकड़ी गई थी दिल्ली में, जो कि टेलीग्राम का इस्तेमाल करके करती थी। अगर आपको इस न्यूज के बारे में पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। अगर कोई ऐप का डाटा एक्सेस करता है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाता है ओनर को बिना पता चले तो वो एक साइबर क्राइम हो जाता है। तो रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा हुआ था, एक पाकिस्तान का यूजर था जिसने लगभग सब जो नेटफ्लिक्स के शोज है वो कॉपी करके, रिकॉर्ड करके खुद के वेबसाइट्स पे डाल दिए थे, खुद के ऐप पे डाल दिए थे। तो नेटफ्लिक्स की ओर से उसके ऊपर केस हो गई थी एंड उसको जेल जाना पड़ा था। तो ये भी एक साइबर क्राइम हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो बंद कर देना। तीसरा एग्जांपल आपको तो पता ही होगा गाइज, आपने मूवीज या फिर वेब सीरीज में जरूर देखा होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है उनके अंदर का डाटा या फिर जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो हैक करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब कंपनीज क्या करती है, उनका डाटा सिक्योर करने के लिए एक एथिकल हैकर को हायर करती है, देन वो डाटा जो होता है वो सिक्योर हो जाता है। बट ज्यादातर कंपनीज रहती है वो ये कर नहीं पाती, तो उनका डाटा जो होता है वो हैक हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले एग्जांपल की तरफ। अगर कोई हैकर और प्रोग्रामर खुद वायरस एंड मालवेयर बना रहे हैं एंड बिना मतलब के किसी को भी शेयर करके या फिर किसी ग्रुप में डाल के सामने वाले को हार्म पहुंचा रहे तो वो भी एक साइबर क्राइम है। इसको इल्लीगल माना जाता है। अगर ज्यादा हार्म पहुंचा है सामने वालों को एंड अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो जो प्रोग्रामर और हैकर है उसको जेल हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्प्रेड करना या फिर किसी भी साइट पे अपलोड करना ये एक साइबर क्राइम है। इससे बहुत लोग जेल गए हैं एंड बहुतों की साइट बंद भी कर दी गई है। आपको लास्ट ईयर पता होगा बहुत सारी जो पॉर्न साइट्स है वो बंद हो गई है। सो गाइस, आप सबको ये एग्जांपल्स कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मुझसे कोई रह गया हो तो कमेंट करना मत भूलना। सो गाइस, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स कि साइबर क्राइम में कितने टाइप्स ऑफ अटैक्स होते रहते हैं। साइबर क्राइम में बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन अटैक्स है वो आज हम लेंगे। सबसे पहले नंबर पर है हैकिंग। ये कोई अटैक नहीं है बट ये बहुत ही कॉमन है। किसी भी सिस्टम के अंदर घुस के उसका डाटा चुराना या फिर कोई भी चेंजेस करना ये एक तरह का अटैक ही होता है। इसको कोई नाम नहीं है बट इसको हैकिंग ही बोला जाता है। जो दूसरा अटैक है वो है DDoS अटैक या फिर DoS अटैक, जिसे हम डेनियल ऑफ सर्विस अटैक भी कहते हैं।
सो ये जो अटैक है ये वेबसाइट या फिर सर्वर को डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। इससे बहुत बड़ी बड़ी साइट्स भी डाउन हो चुकी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जल्द ही इसके ट्यूटोरियल्स भी अपलोड कर दूंगा कि किसी भी साइट को कैसे डाउन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये जो DDoS अटैक है, अगर आपको पता नहीं है कि रिसेंटली मैंने न्यूज सुनी है कि ट्विटर को भी डाउन कर दिया था, DDoS अटैक अभी हुआ था ट्विटर पे। सो अगला है सॉफ्टवेयर पायरेसी, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर की चोरी करना। अगर कोई यूजर पेड सॉफ्टवेयर को खरीद के उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाता है एंड अपनी वेबसाइट पे या फिर किसी ग्रुप्स में शेयर करता है, तो एक सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाती है, जिससे ओनर को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। तो एक तरह का अटैक ही समझ लो इसे। इसमें बहुत सारी साइट्स बंद भी पड़ चुकी है एंड कईयों को जेल भी जाना पड़ा है। अगला जो अटैक है वो है फिशिंग अटैक। आप में से बहुत सारे लोगों को इस अटैक के बारे में जरूर पता होगा। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक रियल पेज रहता है, उसको सेम टू सेम कॉपी करके एक साइट पे अपलोड कर दिया जाता है एंड देन वो जो लिंक रहता है वो विक्टिम को सेंड कर दिया जाता है। देन विक्टिम क्या करता है, उसमें आईडी पासवर्ड फिलअप करके लॉग इन कर लेता है। उसके बाद वो जो साइट है वो रियल साइट पे लेके जाती है, बट जो डाटा रहता है वो हैकर को मिल जाता है। इस अटैक के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, बट कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के कारण ये वीडियोस भी रिमूव हो गई यूट्यूब से। सो मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल लाऊंगा फिशिंग के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, अटैक्स की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी, जैसे कि जीरो डे, ब्रूट फोर्स वगैरह बहुत सारे अटैक्स थे। सो इस वीडियो में इतने सारे अटैक्स नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि पूरी मतलब साइबर सिक्योरिटी में, पूरे इथिकल हैकिंग में कितने सारे अटैक्स होते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि साइबर क्राइम में कौन से टूल्स मोस्टली यूज किए जाते हैं। अगर बात आती है साइबर क्राइम टूल्स की, तो टूल्स तो इतने सारे थे कि मतलब पूछो ही मत। तो मैंने जो टूल्स नोट किए वो टॉप टूल्स है जो कि साइबर क्राइम करते वक्त यूज किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कालियुल लिनक्स, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि मेंटेन किया जाता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ से। ये प्रोग्राम स्पेशली डिजिटल फॉरेंसिक एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। जो अगला टूल है वो है ओपीएच क्रैक, ये टूल ज्यादातर हैशेस क्रैक करने के लिए यूज होता है। एंड जो हमारा थर्ड टूल है वो है इनकेस। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, अगर किसी क्रिमिनल की हार्ड ड्राइव आती है एक इन्वेस्टिगेटर के पास, तो वो ये सॉफ्टवेयर यूज करता है उसकी इमेजिंग के लिए एंड उसका जो डाटा है वो रीड करने के लिए। एंड जो अगला टूल है वो है सेपबैक। सेपबैक ज्यादातर इंटेल बेस्ड हार्ड डिस्क को इमेजिंग करने के लिए यूज होता है एंड उसको रिस्टोर करने के लिए भी यूज होता है। एंड जो अगला टूल है वो है डाटा डंपर, ये कमांड लाइन कंप्यूटर फॉरेंसिक टूल है एंड ये फ्री अवेलेबल है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो ये टूल यूज होता है डिस्क की एग्जैक्ट कॉपीज बनाने के लिए, जो कि बहुत हेल्प करता है डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस में। एंड जो लास्ट टूल है वो है MD5 सम। सो बेसिकली ये जो टूल है ये यूज होता है एक डिस्क से दूसरे डिस्क में डाटा सक्सेसफुली कॉपी हुआ है या नहीं ये चेक करने के लिए। सो गाइस, मैं काफी जल्दी इन सब टूल्स के बारे में मैं आपको समझा दिया। अगर मैं पूरा डिटेल में समझाता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। मैं हर एक टूल के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ जो है डिटेल में इस टूल के बारे में बता दूंगा। आई होप गाइस आपको साइबर क्राइम के बारे में पता चल गया होगा एंड साथ ही साथ उनके टूल्स टाइप्स एंड एग्जांपल्स का। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। Please like, comment, share my YouTube video and subscribe to my YouTube channel. Press the bell icon, get notifications first.